प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ धाम पहुंचे जहां उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा सहित 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया इतना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारपुरी से ही देशवासियों को संबोधित भी पी किया पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे का सीधा प्रसारण प्रदेश के पैंतीस स्थानों पर किया गया था इसी के तहत देहरादून की प्राचीन शिव मंदिर टपकेश्वर महादेव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था की गई इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं सहित पीएम के कार्यक्रम को देखा साथ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से विशेष लगाव है इसलिए वह केदार नगरी आते हैं और उनके नेतृत्व में लगातार देश और केदारनाथ धाम का विकास भी किया जा रहा है परमेश्वरम, इसलिए मैं हृदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफी मांगते हुए इस पुण्य अवसर पर देश के कोने कोने से जुड़े शंकराचार्य ऋषिगण महान संत परंपरा के सभी अनुयायी आप सबको यहीं से प्रणाम करके मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं साथियों हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेती नेती जब भी देखो नेती नेती एक ऐसा भाव विश्व नेती नेती कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है रामचरित मानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है अलग तरीके से कहा गया है रामचरित मानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह नेति नित निगम कह अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं यहाँ के कण कण से जुड़ जाता दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और याद तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं मैंने त्योहारों की खुशियां मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बांटी देशवासियों का प्रेम का संदेश देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा देशवासियों के उनके, देश उनके आशीर्वाद 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था और आज मुझे गोवर्धन पूजा के दिन और गुजरात के लोगों के लिए तो आज नया वर्ष है गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है बाबा केदार के, के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल बते मैंने बिताए एक दिव्य अनुभूति का वो पल था शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है गरुड़ चट्टी का तो मेरा विशेष नाता भी रहा है यहां एक दो लोग हैं पुराने जो पहचान जाते हैं मैंने आपके दर्शन किए मुझे अच्छा लगा साधु तो चलता भला यानी पुराने लोग तो अब चले गए हैं कुछ लोग स्थान को छोड़ के चले गए कुछ लोग इस धरा को छोड़ करके चले गए मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी